खुद को भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानने वाला ये फर्जी बाबा कई दिनों से भक्तों को इलाज के नाम पर ठग रहा था। ये दिखाने के लिए एक पहुंचा हुआ बाबा दिखाता है, लेकिन एक ये शातिर नटवर लाल है। तंत्र मंत्र, काला जादू और सम्मोहन की कला को ये बखूबी जानता है। इसने अब तक कई भक्तों को इसी प्रकार से लूटा है और कल नांदेड़ ज़िले के माहूर पुलिस थाने में इसके खिलाफ़ थाने के एक भक्त ने शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने लिखा कि इलाज के नाम पर इस फर्जी बाबा ने, जिसको ब्लड बाबा के नाम से जाना जाता है, इस भक्तों से अलग अलग समय अलग अलग तारीख पे 23 लाख रुपए ऐठे। ये इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करता है, भक्तों को ऐसा जादुई पानी पिलाता है जिसमें वैश्य तत्व वाली जड़ी बूटियां होती है, जिसका प्राशन करने के बाद आदमी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। बाबा ने कई चमत्कार दिखाए हैं, लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाया। खुद को भगवान साबित करने वाला ये फर्जी बाबा अपनी आरती उतारता था, भक्तों को अपनी आरती उतारने लगाता था। ये बाबा स्वयं अपने खून से रक्त अभिषेक भी करता था। ये देखिए, ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही है कि वो अपने खून से रक्त अभिषेक भी करता था और पूजन भी करता था। अघोरी विद्या, काला जादू, तंत्र मंत्र जानने वाला ये फर्जी बाबा फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसके और 3 भी साथीदार हैं जिनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये इस अघोरी विद्या का गोरख धंधा कई सालों से करते आ रहा था। ये देखिए, ये तस्वीर नंबर 2, जिसमें ये एक निर्जन स्थान पर जंगल में इस तरह से भक्तों से कवायद करवा रहा है। खुद तंत्र मंत्र का जानकार, भगवान का अवतार बताने वाला ये फर्जी बाबा कई दिनों से भक्तों का आर्थिक शोषण कर रहा था, मानसिक शोषण कर रहा था। ये वायरल वीडियो क्लिप में तस्वीर साफ साफ होती है कि बाबा किस तरह से भक्तों से कवायद करवाता है। ये दूसरी तस्वीर है जिसमें रक्ताभिषेक हो रहा है किसी फल पर अपनी खून की बूंदों से। वो तस्वीर साफ साफ है कि बाबा किस तरह से हथकंडे अपनाकर भक्तों से पैसा ऐंठता था, उनके अंधविश्वास का फायदा ये बाबा किस तरह से उठाता था। माहौर की पहाड़ियों में रहने वाला ये ब्लड बाबा फिरियादी है, उन्होंने ऐसी फिरियादी की, ये जो बाबा है ठग भुंदू बाबा, इसने कुछ अघोरी एक्टिविटीज़ करके गुप्त धन मिलवा के देना या कोई फैमिली इश्यूज क्लियर करवा के देना, इसलिए खुद भी कुछ अघोरी एक्टिविटीज़ किए हैं और फिरियादी से भी ये अघोरी एक्टिविटीज़ करवाए हैं। ऐसी तकरार आने पर हमने आईपीसी सेक्शन 420, 328, 504, 34 और अघोरी एक्टिविटीज़ एंड ब्लैक मैजिक रेमिडीज एक्ट महाराष्ट्र 2013 के सेक्शन 3 के तहत मामला दर्ज किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन खुद पीआई माहूर कर रहे हैं। इसमें अभी तक 3 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। हमें ऐसे और भी कंप्लेंट्स अभी माहूर एरिया से प्राप्त हो रही हैं कि इस बाबा ने और भी कहीं लोगों को इस तरह से ठगा है। इसके पहले इनके ऊपर कोई मामले दर्ज अभी तक तो पाए नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। ये पिछले 3 सालों से कर रहा है। सर, ये भी बताया जा रहा है कि वो जो आरोपी है खुद को दत्तात्रेय प्रभु का अवतार, या वो खुद को भगवान का अवतार बोल के ही सब लोगों को ठग रहा था और अभी लोग ओपनली इसके अगेंस्ट में सामने आ रहे हैं। उनकी अभी मामला, ये पहला ही मामला उसके खिलाफ दर्ज है, तो अभी फ्रीली सब लोग ओपनली सामने आ रहे हैं। मेरा यही सबसे आह्वान रहेगा कि जिसको भी इन्होंने ठगा है वो
पुलिस स्टेशन माहूर को जाके अपना स्टेटमेंट दे दें। हाँ, मैं प्रवीण बात कर रहा हूँ। मैं 2014 में माहूर में विश्वजीत रामचंद्र कपिले बाबा को मेरे बीमारी के सिलसिले में मिला था। यहाँ आके वो हवन पे बैठे और हवन में उनके शरीर में दत्त शक्ति का संचार हुआ। वो अवस्था में उन्होंने मुझे कहा कि आपके ऊपर यानी मेरे ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है, अघोरी प्रयोग हुआ है, इसलिए तू बीमार है। और जब तक ये प्रयोग हटेगा नहीं तब तक तुम्हारा इलाज होगा नहीं और तुमको कोई भी दवा लागू नहीं पड़ेगी। और इसके लिए तुझे यहाँ पे बार बार आना पड़ेगा। और हवन में बिठा के वो मेरे से मुझे कुछ खाने पीने में देता था। वो खा पी के मैं बेहोशी की हालत में चला जाता था, झूमता था मैं एक तरह का, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो होश में आने के बाद वो सर पे नींबू काट के हवन में डालता था और कभी कभी वो हमारे खून की आहुति भी वो खुद भी देता था हवन में और हमारे से भी दैवी प्रकोप है इसलिए हमारे से भी वो खून की आहुति लेता था। 2020 तक उसने दैवी प्रकोप का डर दिखा के मेरे से कुल मिला के 24 लाख रुपया महाराज ने लिए मेरे से। और उसके साथ में उसके फैमिली ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया, जिसमें रवि कपिले, कैलाश कपिले और सारिका कपिले थे, इस सब में शामिल है। जिस तरह मेरे जैसे वेल क्वालिफाइड शिष्य लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, उस तरह से हम चाहते हैं कि कोई भी इसके आगे फंसे नहीं। और जो कोई फंसे रहेंगे तो उनको मैं आह्वान करता हूँ कि वो माहौर पुलिस स्टेशन आके यहाँ पे स्टेटमेंट दे दें। खुद को भगवान का अवतार मानने वाला यह ब्लड बाबा माहूरगढ़ का निवासी है। माहूरगढ़ में तंत्र मंत्र और जादू टोने के नाम पर इसने भक्तों से पैसा ऐटा है। थाने के एक भक्त से पैसा इलाज के नाम पर पैसा ऐटने की फरियाद कल माहूर पुलिस थाने में आई है और इस बाबा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाबा और उसके 3 साथियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है और पुलिस को अब ये उम्मीद लग रही है कि और भी ऐसे कई लोग आएंगे, पीड़ित लोग आएंगे जो बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे, जिसकी वजह से बाबा के सारे काले कारनामे जनता के सामने आएंगे। विलास हाड़े, DT News, नांदेड़।